दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद अलग अलग राज्यों में सुरक्षा को लेकर कोचिंग सेंटरों की लगातार जांच की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी इसके बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को टीम कई कोचिंग संस्थानों में पहुंच गई है। दिल्ली के प्रसिद्ध और चर्चित कोचिंग संचालक विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा की तरह पटना वाले खान सर के यहाँ भी ये टीम पहुंची, जहां सुरक्षा को लेकर जांच पड़ताल की गई। एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर ने खान कोचिंग एंड जीएस क्लासेज का निरीक्षण किया है। बता दें कि जब खान सर से मिलने ये टीम पहुंची तो खान सर खुद ही वहां मिल गए, जिला प्रशासन के निर्देश को सुना। हालांकि खान सर के कोचिंग सेंटर में भी कई खामियां पाई गई है। खान सर ने मीडिया से बातचीत करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सेफ्टी है। मंगलवार की देर शाम तक कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर ने बताया है कि उन्होंने मछुआ टोली से भिगना पहाड़ी तक कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया है। आगे उन्होंने बताया कि 25 से 30 अलग अलग कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने वो पहुंचे थे। भिगना पहाड़ी में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और खान कोचिंग एंड जीएस क्लासेज का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। एसडीएम ने कहा कि खान सर ने उनसे थोड़ा वक्त मांगा है, कहा कि कोचिंग संचालन से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो उन्हें जरूर उपलब्ध कराएंगे। एसडीएम की तरफ से ये भी कहा गया है कि खान सर के कोचिंग सेंटर में मुख्य रूप से कमियां पाई गई है। कम जगह में ज्यादा स्टूडेंट की पढ़ाई कराई जाती है। कई कोचिंग संस्थानों में रजिस्ट्रेशन की भी समस्या है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब तमाम जगहों पर सुरक्षा के मद्देनज़र जो कह सकते हैं कि चेकिंग जो है वो की जा रही है। उस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर और ये खान सर की कोचिंग क्लास है जिसे आज बंद कर दिया गया है। कल पटना के जिला अधिकारी प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद ये मानकों का को देखा जा रहा है कि किन किन कोचिंग क्लासेस में किस तरीके के मानक हैं और उसके बाद पटना के स्थित जो खान सर की क्लासेस है, मशहूर खान सर हैं, उनके क्लास को बंद किया गया है, ताला जो है वो लगाया गया है और जो मानक हैं वो कहे जा रहे हैं कि वो मानक पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से क्योंकि देखिए ये जो गली है वो काफ़ी छोटी है और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर पढ़ने जाते हैं और ये गेट है खान ग्लोबल स्टडीज़ का। खासकर खान सर जो है वो UPSC और BPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवाते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से ताला जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। खान सर के कोचिंग क्लास में ये ताला लगाया गया है और दूसरा ताला जो है उनके गेट पर भी लगाया गया है और बताया गया है कि फिलहाल ये कोचिंग जो है वो बंद किया गया है। आप लोगों को कब बताया गया था कि कोचिंग में ताला? कल से सर, कल से। कल से और आगे आइएगा, जी जी जी। ओम प्रकाश ठाकुर। अच्छा, क्या खान सर यहाँ पर पढ़ाने आते हैं? हाँ, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं जी। अगर रोज की सुबह से कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस चलता है? सुबह 7 बजे से कम 8:30-8 बजे तक सर। सर जी, बच्चे आते होंगे? बच्चे की जानकारी सर हमको नहीं, करीब 1000 से ज्यादा बच्चे आते हैं। तो देखिए जो मानक है जिसको लेकर लगातार बातें हो रही थी, क्योंकि जो इस गली की बात की जा सकती है, ये काफी छोटी गली है और कई ऐसे मानक हैं जिसको लेकर पटना के विभिन्न कोचिंग सेंटरों में बीते दिन से छापेमारी की गई है, इंस्पेक्शन किया गया है, जिसके टीम का गठन खुद पटना के जिला अधिकारी प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है और पटना के SDM जो है वो तमाम जगहों पर खुद जा रहे हैं और ऐसे में खान सर की क्लासेस को आज बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मानक है माना जा रहा है उसका पालन नहीं हो रहा था, जिस वजह से इस गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है और बताया गया है कि फिलहाल जो क्लासेज हैं वो शुरू नहीं होंगे। ये वही खान सर हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और काफ़ी वायरल होते हुए भी नजर आते हैं। हम लोग जल्द नोटिस करके रजिस्ट्रेशन करवाने का काम करेंगे। खान सर के कोचिंग सेंटर में आज से सेफ्टी की भी कमियां पाई गई है। बताया गया है कि खान सर के कोचिंग सेंटर में आग से बचाव के लिए एक पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र लगाया गया है, लेकिन अग्निशमन विभाग के मानक के अनुरूप एंट्री और एग्जिट बिल्डिंग में प्रॉपर फायर सिस्टम और फायर NOC जो होना चाहिए वो नहीं पाया गया है। हम लोग जल्द नोटिस करके रजिस्ट्रेशन करवाने का काम करेंगे। खान सर के कोचिंग सेंटर में आग से सेफ्टी की भी कमियां पाई गई है। बताया गया है कि खान सर के कोचिंग सेंटर में आग से बचाव के लिए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र लगाया गया है, लेकिन अग्निशमन विभाग के मानक के अनुरूप एंट्री और एग्जिट बिल्डिंग में प्रॉपर
फायर सिस्टम और फायर एनओसी जो होना चाहिए वो नहीं लगाया गया है। ये सिर्फ खान सर ही नहीं, उनके अलावा भी किसी कोचिंग संस्थानों में ये सुविधा नहीं पाई गई है। जांच अधिकारी का कहना है कि खान सर के कोचिंग सेंटर में बिल्डिंग बायलॉज क्या है, बिल्डिंग की पोजीशन क्या है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। हालांकि खान सर ने बताया है कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है उसे वो जरूर देंगे। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत संस्थानों को बिल्डिंग का सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश जारी किए गए हैं। संस्थानों में पार्किंग की व्यवस्था की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद दृष्टि आईएएस कोचिंग समेत कई कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के मुखर्जी नगर स्थित दृष्टि समेत कई कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में क्लास चलाने की खबर प्राप्त हुई थी, इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि बाद में दृष्टि आईएएस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था। दिल्ली की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। हम लोग इस जांच के क्रम में कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मछुआ टोली से लेकर यहाँ बिकना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में ला के जमा कर देंगे। तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही है? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन एंट्री एग्जिट फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।